सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप करुणासन एक आसान तरीके में कैसे कर सकते हैं, और इसके हम कुछ बेनिफिट्स भी देखेंगे जो आप अगर आप डेली लाइफ में आप ये योगासन करेंगे तो आपके जो बॉडी में चेंजेस आएंगे वो अनबिलीवेबल चेंजेस आएंगे। तो देखते हैं इस करुणासन को करने से हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, देखते हैं। इसका पहला स्टेप ये है कि आपको स्ट्रेट रहना है। पहला स्टेप ये है कि आप दोनों हैंड को ऐसे पूरा ट्विस्ट करके आपको ऐसे हाथ जोड़ने हैं, देख लीजिए पूरा हाथ आपको ऐसे ट्विस्ट करना है। आप जितना ट्विस्ट कर सकते हो उतना ट्विस्ट करिए, एकदम आप इसे फोर्सफुली ट्विस्ट मत करना क्योंकि आपके हैंड्स में क्रैम्प आ सकता है। तो इसलिए आप आराम आराम जितना हो सके उतना ट्विस्ट करना, और ऐसा आप ऐसे कुछ पोजीशन बना लीजिए। इसका दूसरा स्टेप है कि सेम जैसे आपने हाथों को ऐसे ट्विस्ट किए आपको लेग्स को भी ऐसे ही ट्विस्ट करना है, और आपको वन लेग पे बैलेंस करना आना चाहिए। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी हाउ टू डू वन लेग स्टैंड लाइक अ प्रो, तो जो वन लेग स्टैंड है वो इसमें काफ़ी मदद करेगा। तो इसमें जैसे गर्भासन में आपको पहले हैंड ट्विस्ट करें जो इसका स्टेप वन था, स्टेप टू में इसके लेग ट्विस्ट करने सेम जैसे आपने हाथ हैंड्स ट्विस्ट किए, जितना आपसे लेग ट्विस्ट होता है आप उतना कीजिए। और फिर जैसे आप ये दोनों स्टेप्स कर लेते हैं, थर्ड स्टेप है आप हल्का सा बस ऐसे बेंड हो जाइए, जैसे सिटिंग पोजिशन में आप ऐसे हल्का सा बेंड हो जाइए, और बस थोड़ी देर आपको 1 to 2 मिनट्स ऐसे होल्ड करके रखना है, और ये आपको कम से कम 1 to 2 वीक्स तक करना है जिससे आपके डेली प्रैक्टिस में आ जाए। बस इसके सारी योगासन से एक सबसे आसान योगासन है जो आप चाहे कोई सी भी एज ग्रुप के हो, चाहे आप चाइल्डहुड में एडल्ट हो या ओल्ड एज में हो, ये आप आराम से कर सकते हैं। इसके कोई ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है कि आप अगर करोगे तो इसे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी बॉडी में, कुछ इफेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन बस आपको इसे आराम से करना है, जितना आपके हैंड्स और लेग यूज हो सकते हैं बस उतना ही करना, ज़्यादा फोर्स मत देना। अब इसके देखते हैं कि आप इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं जो हमारी बॉडी पे एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। तो जैसा मैं पोजिशन ले लेता हूँ, आप जैसे देख सकते हैं कि जो मेरे हैंड्स एंड लेग्स हैं पूरे तरह से ट्विस्ट है, तो ये हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है। और जो अगर आप इसे डेली करते तो अगर कोई मेंटली अनस्टेबल है या फिर नहीं भी है तो मेंटली स्टेबिलिटी बढ़ाता है, हमारी मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ाता है, तो जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि आजकल लोग अपनी मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ पर तो ध्यान देते तो मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते, तो एक बहुत ही अच्छा आसन है मेंटल हेल्थ के लिए भी। ये एक हमारी बॉडी की बैलेंसिंग बढ़ाता है, हमारे लेग्स को स्ट्रॉन्ग करता है। आप इससे दोनों लेग से परफॉर्म कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट। आप ये आपकी सुटेबिलिटी है कि आप कौन सा लेग आप चूज करेंगे, ग्राउंड पे रखना और कौन सा एयर में रखना, जो ट्विस्ट आप करेंगे। सबसे पहले आप उसी लेग को फ्लोर पे रखना जिस पे आपका बैलेंस अच्छा बनता हो, फिर आप दूसरे लेग को ट्राई करना। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप पहले वो लेग चूज कर लेते हैं जिस पे आपका बैलेंस नहीं बनता, तो आप हो सकते हैं गिर जाए और आपको चोट वगैरह लग जाए। तो और फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि फिर इसे योगासन को करना छोड़ देते हैं, जो कि गलत चीज़ है। तो सबसे पहले आपको वन लेग स्टैंड करना आना चाहिए, फिर आप ये वाला आसन ट्राई कीजिए और पहले वाला लेग फ्लोर पे रखना जिस पे आपका बैलेंस अच्छे से बनता हो। अब मैं ये काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, लगभग 6 ईयर्स हो चुके हैं, तो इसलिए मैं दोनों लेग्स पे आराम से आसन करना सीख गया हूँ। तो इसलिए आप पहले धीरे धीरे ट्राई कीजिए, 1 to 2 मिनट कीजिए, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस में आता है, जिससे आप ये फ्लो एकदम फ्लो में कर सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये दोनों आसन अच्छा लगा हो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल आसन है, तो अगर आपको ये आसन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और उनको बताइए इस आसन को करने से क्या क्या हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना।
कि मैं मुझे किससे मुझे पता लगता है कि मेरी वीडियोस कैसा परफॉर्म कर रही है, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। और आप कमेंट में ये जरूर लिखना कि आप नेक्स्ट सेशन कौन सा देखना चाहते हो, उसके क्या क्या बेनिफिट्स आप जानना चाहते हो। मैं ऐसे ही नए नए तरीके के आसन से लाता रहूँगा, आपको सिखाता रहूँगा, उनके बेनिफिट्स के बारे में बताता रहूँगा और साथ साथ उनके डिसएडवांटेज की, अगर आप उनको किसी तरह गलत परफॉर्म कर रहे तो उसके क्या कॉन्ट्राडिक्शंस हो सकती हैं और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। आप वैसे इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि योगासन से कोई ऐसे डिसएडवांटेज या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ है। योगासन में हमारी हेल्थ को बेनिफिट ही करते, कोई डिसएडवांटेज नहीं। लेकिन कई बार होता है कि हम उसे कुछ गलत परफॉर्म कर रहे थे, जैसे मैंने आपको हैंड टू स्पिनर बताया या आप हल्का सा ज़्यादा फोर्सफुली टू स्पिन करें तो हैंड्स में कुछ प्रॉब्लम आया तो उसको जैसे पेन होना, क्रैम्प आना, तो हम उसको कैसे योगासन से ही ठीक कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं, ऐसी नई नई वीडियोस पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए।